हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बायबैक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको माल बनाने के बाद बेचने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी माल तैयार करोगे वो सारा माल खुद कंपनी ही आपसे खरीद लेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके साथ में ये कंपनी आपको EMI पर मशीन भी अवेलेबल करवाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रॉयल लेजेंड्स एंटरप्राइज पर। तो चलिए हम इन सर से मिल लेते हैं और इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से जान लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, आप पहले आपका नाम बताएं और बाद में आपकी कंपनी के बारे में और इस बिजनेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर, मेरा नाम JK सक्सेना हुआ। मेरा कंपनी का नाम है रॉयल लेजेंड्स एंटरप्राइजेस, जो पुणे में खासकर आलंदी में है। मेरे कंपनी में वेलवेट पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग होता है और मैं कस्टमर्स को बनाने के लिए भी देता हूँ। जो बायबैक सिस्टम है, कस्टमर बनाकर मुझे भी माल दे सकता है। उनके लिए दोनों प्रोसेस है। अगर कस्टमर चाहेगा माल बनाकर खुद भी सेल करे तो कर सकते हैं, अगर कंपनी को भी देना चाहेगा तो दे सकते हैं। हमारे आपको वापस दे सकते हैं। हाँ हाँ, बायबैक सिस्टम है हमारे कंपनी की ओर से। कोई किसी को बॉन्ड नहीं है कि अगर बायबैक है तो केवल आप कंपनी को ही दे सकते हो, खुद नहीं दे सकते। आप दोनों काम कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और मुझे भी दे सकते हैं, कंपनी को भी दे सकते हैं। इस तरह से बायबैक हमारे कंपनी होता है। स्टार्टिंग अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसके पास तो अच्छा मार्केटिंग रहेगा नहीं, तो वो उस केस के अंदर आपको माल बना के दे सकते हैं और धीरे धीरे उनका मार्केट बनने के बाद वो खुद भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए बायबैक के लिए हमारे पास 3 साल का एग्रीमेंट में बनता है। okay, okay. जो हमारे कंपनी का बॉन्ड पेपर होता है, उस बॉन्ड पेपर के ऊपर यानी कि लीगल एग्रीमेंट रहेगा कि 3 साल तक आप जो भी वो माल बनाएंगे वो आप खुद ही हाँ, कंपनी वो लेगी उनसे माल। okay. जब ही माल सप्लाई करते हैं कंपनी को बनाकर, रेडी माल बनाकर देते हैं तो हमारे कंपनी के यहाँ से उनका पेमेंट 15 डेज में मिलता है। दो सिस्टम, एक 15 डेज या मंथली। तो 15 डेज में चाहते हैं तो 15 डेज में, नहीं तो मंथली में चाहते हैं तो उनको मंथली में मिलते हैं। तो जिस तरह से सिस्टम होता है, संडे सैटरडे छोड़ के माल पहुंचने के बाद 15 डेज में उनको पेमेंट किया जाता है। यानी कि इसका ऐसा हुआ कि जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके यहाँ से मिल जाएगा। जी जी। सिर्फ कस्टमर को माल बनाना है अपने घर बैठे बैठे और बाद में वो आपको कंपनी को देना है। रॉ मटेरियल भी लेने का एक सिस्टम है सर। हमारे कंपनी से रॉ मटेरियल है ना, जो कस्टमर को 3.60 रुपीज पर पैसे दिया जाता है और उसके ऊपर 80 पैसा प्रॉफिट करते हैं पर पेंसिल। तो 3.6 प्लस 80 4.4 रुपीज होता है। तो हम कस्टमर से वापस लेते हैं 4.40 रुपए, यानी उनको हम जब माल देते हैं तो 3.60 रुपए उससे हम अमाउंट लेते हैं और जब वो मेरे को वापस करते हैं तो उसको 4.40 रुपए वापस करके इतना प्रॉफिट होता है उनको, 80 पैसा पर पेंसिल प्रॉफिट होता है, जिसमें 3.60 रुपए में पेंसिल और पाउडर। इसमें 2 रॉ मटेरियल होता है, इसमें 1 पेंसिल और 1 पाउडर, तीसरा गम है। तो गम इसमें बहुत सारा गम आता है, आप खुद भी अपने तरफ से कोई गम यूज कर सकते हैं या वेलवेट का गम आता है वो यूज कर सकते हैं। गम का खर्च कस्टमर का खुद रहता है। एक पेंसिल के पीछे 2 या 3 पैसा खर्च होती है, वो गम का खर्च खुद कस्टमर का ही रहता है। तो कंपनी पेंसिल और पाउडर 3.60 रुपए में दे देती है। ओके ओके, बढ़िया। और वापस 4.40 रुपए लेते हैं, यानी एवरी पेंसिल कस्टमर का इनकम होता है 80 पैसा एक पेंसिल। यस सर। ओके, तो चलिए सर, हमें आप इस मशीन का एक डेमो अच्छी तरह से दिखा दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि ये वेलवेट की पेंसिल किस तरह से बनाई जाती है और बाद में हम देखेंगे कि इसको किस तरह आप अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से भी पैकिंग करने के बाद मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक लाइव डेमो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टैंड है पेंसिल बनाने के लिए। वेलवेट पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहला यूज होता है स्टैंड। स्टैंड आपको 4 होल का स्टैंड मिलता है। तो इस स्टैंड में आप क्या कर सकते हैं, 1 पेंसिल भी रेडी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। जितना भी पेंसिल इस होल में लगाएंगे वो आपको 30 सेकेंड में बनकर रेडी होगा। अगर 1 लगाएंगे तो 1 30 सेकेंड में बनेगा, 4 लगाएंगे तो 4 बनेगा 30 सेकेंड में। यानी जितना आप इस स्टैंड में एक बार में पेंसिल लगाते हैं रेडी हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो मैं बताता हूँ स्टैंड में पेंसिल कैसे लगाया जाता है। इस तरह से आप होल देखते हैं, ये पेंसिल को नीचे पकड़ा जाता है ऐसे और ऐसे करके इसको घुमा दिया जाता है, पेंसिल लग गया। इस तरह से इसको लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने लगा कर रखा भी हूँ 4 पेंसिल एक साथ। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोटिंग किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या है, स्टैंड में लगाने के बाद पेंसिल, उसके बाद क्या करते हैं, गम लगाते हैं। ब्रश का माध्यम से गम लगाएंगे या आप अपना डेवलपमेंट एक्स्ट्रा कोई डेवलप करके आप गम लगाने का कोशिश कर सकते हैं। हमें यहाँ पर
ब्रश के माध्यम से गम लगा कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से गम इसको लगाते हैं। गम इस पे ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए, यानी नॉर्मल गम होना चाहिए। इस तब आपका कोटिंग बराबर होता है दोस्तों। अगर गम बराबर नहीं लगा रहेगा तो आपका माल अच्छा नहीं होगा, यानी कोटिंग अच्छा नहीं होगा तो आपका माल रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कोशिश कीजिए कि आपका माल रिजेक्ट ना हो। मैं रिजेक्ट के बारे में बताऊँगा, पहले आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको रिजेक्ट के बारे में भी मैं भी बताऊँगा। देख रहे हैं, मैंने दो तीसरा पेंसिल में लगा रहा हूँ गम। आप जितना अच्छा से गम लगाएंगे उतना अच्छा से आपका कोटिंग होगा। अगर गम अच्छा से नहीं लगाएंगे तो आपका कोटिंग अच्छा से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गम लगाना, अगर गम आपने अच्छे से लगा दिए तो आपका कोटिंग अच्छा से होगा। देखिए दोस्तों, मैंने चारों पेंसिल में गम लगा चुका हूँ। एक तरह से मैं चारों पेंसिल में गम लगा दिया हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, ये चैम्बर है जिसमें वेलवेट चैम्बर है, इसमें हम इसको ऐसे करके यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं, उसके बाद मशीन को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 30 सेकंड का यहाँ टाइम लिया, यहाँ वेलवेट कोटिंग शुरू हो गया। देखिए वेलवेट ऊपर फ्लो हो रहा है और कोटिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीरो हो चुका है। आपने पहले, मैंने पहले भी दिखाया, जब मैंने इसे क्लोज किया और ऑन किया तो यहाँ 30 सेकंड दिखाई दे रहा था। अब जब वो बंद हो गया तो जीरो हो गया, उसका मतलब 30 सेकंड में आपको चार पेंसिल रेडी हो गया है। मैं आपको चारों पेंसिल निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पेंसिल इस तरह से इसमें है। देखिए दोस्तों, कितना सॉफ्ट पेंसिल बना है चारों पेंसिल। आपको मैंने चार पेंसिल को पूरा गम लगा के दिखाया था, चारों पेंसिल कितना सॉफ्ट बना। आप इसको क्या करेंगे, आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे, कम से कम आधा घंटा, आप जितना देर छोड़ सके आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल कर थोड़ा साफ कर देंगे। साफ करने के बाद इस तरह से पेंसिल आपका दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। ऊपर जो एक्स्ट्रा पाउडर जितना है वो आपको निकल जाएगा, और उस पाउडर को भी आप रीयूज फिर से मशीन में डालकर आप कर सकते हैं, और इस तरह से आपका सॉफ्ट पेंसिल बन जाएगा। अगर दोस्तों, अगर आपका पेंसिल खराब हो जाती है, सपोज डेट रिजेक्शन होता है, या सब गम नहीं लग पाता है, कोटिंग सही से नहीं होता है, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका है कि आप उसको 15-20 मिनट के लिए पानी में छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद फिर से उसको आप हाथ के माध्यम से धो दीजिए, आपका पुराना कोटिंग निकल जाएगा और फिर से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करने का तरीका ये था दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो मशीन आता है वेलवेट पेंसिल मेकिंग का, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, और उसका जो भी रॉ मटेरियल इस बिजनेस के अंदर लगता है वो भी आपको यहाँ रॉयल लेजेंड्स एंटरप्राइज के अंदर से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ वेलवेट मेकिंग मशीन फॉर EMI प्रोसेस, EMI का प्रोसेस नीचे दिया गया है। मशीन का प्राइस है 75,575,500, और EMI चार्ज, यानी जो EMI चार्ज है, जो किस्त के लेंगे उसका 10,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज है सर। तो दोनों आप इंक्लूज करते हैं तो होता है 85,500, यानी मशीन का प्राइस हो गया EMI के जरिए 85,500। बुकिंग के टाइम में आपको अमाउंट पेड करना है 45,500, यानी 45,500। आपको शेष 40,000 रुपया ड्यूज रह जाती है, और 40,000 रुपया आपको 5 EMI में पेड करना रहता है, यानी पर मंथ आपको 8,000 रुपया पेड करना रहेगा 5 मंथ तक सर। जब आपका ये EMI यानी समाप्त हो जाता है, मशीन का पूरा पेमेंट नो ड्यूज हो जाता है सर दोस्तों। अगर आपको कंपनी की तरफ से नो ड्यूज मिल जाता है, तब आपको एग्रीमेंट मिल जाती है 3 ईयर्स का, जो आप इस कंपनी को 3 साल तक आप इस पेंसिल को आप सेल भी कर सकते हैं, और कंपनी को भी बाईबैक दे सकते हैं दोस्तों। ये EMI का सिस्टम था दोस्तों। आप EMI पर भी मशीन ले सकते हैं, आपको EMI पर 45,500 में मशीन मिल जाएगा दोस्तों। जो भी ड्यूज अमाउंट रहेगा आप वो महीना पर किस्त में आप पेड कर सकते हैं दोस्तों, और आप बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पर अभी आप कॉल कर सकते हो और ज्यादा कुछ जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इनकी फैक्ट्री पर विजिट करना चाहते हो तो उनका एड्रेस भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ में एक और बात है कि जो रॉयल लेजेंड्स एंटरप्राइज है, उनकी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप विजिट करने के बाद ज्यादा इन्फॉर्मेशन
डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये बिजनेस आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी को एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।